नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। आज हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट की यहां पे चर्चा करने वाले हैं, जो कि चैप्टर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट से है। ये वीडियो एक स्टूडेंट के द्वारा रिकमेंडेड वीडियो है, बताया कि सर आप ये ट्रिक बनाइए मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की। तो देखिए, मैं ट्रिक ज़रूर बना दूंगा। पहले मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये पॉइंट टू पॉइंट किस तरीके से समझते चले यहाँ पे। तो जब हम रूट की देखिए बात करते हैं, तो सबसे पहले मैं दो तीन पॉइंट आपको इम्पोर्टेंट बताना चाहूँगा, इसके बाद मैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट और मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम की आगे चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए ये है कि जो टैप रूट है, ठीक है, आप याद करिएगा, जो टैप रूट है वो किस में पाई जाएगी? मस्टर्ड प्लांट में होगी। ठीक है, टैप रूट किस में होगी? मस्टर्ड प्लांट में। इसके बाद जो फाइबरस रूट होगी वो वीट वीट में होगी। फाइबरस रूट फाउंड इन वीट प्लांट, ठीक है। और जो एडवेंटेशियस रूट है वो ग्रास में, मोनिस्ट्रा में, बनियन ट्री में होगी। ठीक है, तो जो एडवेंटिशियस रूट है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये डेवलप होती है फ्रॉम द अदर पार्ट्स ऑफ द रेडिकल। ठीक है, अदर देन द रेडिकल जो डेवलप होगी वो कौन सी रूट होगी? एडवेंटिशियस रूट। तो ये तीन पॉइंट आपको एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बिल्कुल लर्न करके चलना है कि टैप रूट मस्टर्ड प्लांट में, फाइबरस रूट वीट प्लांट में, और एडवेंटिशियस रूट जो कि डेवलप होती है अदर देन रेडिकल, जो मोनिस्ट्रा, बनियन ट्री और ग्रास में होती है। अब आपसे ये क्वेश्चन है इसमें कि मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो एग्जाम में आ चुका है कि रूट हेयर्स होते हैं, रूट हेयर्स ध्यान से सुनिएगा, जो रूट हेयर्स होते हैं वो रूट के कौन से रीजन में पाए जाएंगे? ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है, रूट हेयर्स किस रीजन में पाए जाएंगे, यानी कि ये रूट कैप में होंगे या रीजन ऑफ मेरिस्टमैटिक में होंगे या रीजन ऑफ एलोंगेशन में होंगे या रीजन ऑफ मैचुरेशन में होंगे, ये बताना है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है, जो इसमें रिकमेंडेड टॉपिक है, मॉडिफिकेशन रूट एंड मॉडिफिकेशन स्टेट। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सत्येंद्र सिंह और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्र ज्ञान संसार में। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जो रूट होता है, रूट का फंक्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। रूट का मेन काम क्या होता है? रूट का मुख्य काम जो होता है, मुख्य कार्य जो होता है वो ये होता है कि रूट जो है वो जो पोषण पदार्थ होते हैं और जो खनिज लवण होते हैं और जो पानी होते हैं, इनका अवशोषण करती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको संवहन करती है। ठीक है, ये रूट का मुख्य काम होता है। लेकिन है क्या कि जब रूट, जब जड़ पानी और खनिज लवणों के अवशोषण तथा उनके संवहन के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य करने के लिए अपने आकार और संरचना में परिवर्तन कर देता है, यानी कि जब इसका मुख्य काम यह है कि वो अवशोषण करेगा पानी का और उसका संवहन करेगा, उसके अतिरिक्त अगर कोई और काम करने लगता है, जैसे कि भोजन संचयन करने के लिए, सहारा प्रदान करने के लिए, श्वसन करने के लिए, अपने आप में रूपांतरित हो जाती है। यानी कि ये जो रूपांतरित हो जाएगी किसमें? ये मॉडिफिकेशन फॉर द सपोर्ट, स्टोरेज, फूड एंड रिस्पायरेशन। ठीक है, तीन कामों के लिए, कौन कौन से? फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड रिस्पायरेशन एंड सपोर्ट। तब ये क्या हो जाएगा? यानी कि ये रूपांतरित हो जाएगी। ठीक है, अपने जो मेन काम इसका है कि एब्जॉर्प्शन और आप कंडक्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स, उसको छोड़ करके ये सपोर्ट के लिए और स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और आपका ये रिस्पायरेशन के लिए ये अपने आप को चेंज कर लेगा। ठीक है, अब देखिए, जैसे कि हम टैप रूट की आप देख पा रहे हैं, टैप रूट की बात करते हैं, तो टैप रूट में कौन कौन से हैं? कैरेट है और टर्निप है, तो आपको ये याद करना है। टैप रूट में क्या है? कैरेट और टर्निप। और ठीक है, तो आप याद कर लेंगे टैप रूट का एग्जाम्पल क्या है? कैरेट है और टर्निप है। इसके बाद क्या है? जो स्वीट पोटैटो है, ठीक है, एडवेंशियस रूट जो है स्वीट पोटैटो की, वो क्या हो गया? सॉयलन हो जाएगी और स्टोरेज ऑफ फूड में हो जाएगी।
ठीक है, यानी स्वीट पोटैटो क्या होता है? शकरकंद। जो शकरकंद होता है वो एडवेंसिस रूट होता है, तो ये किसके लिए होता है? ये स्वेलन हो जाता है और स्टोरेज फूड फूड का स्टोरेज करने लगता है। ठीक है, इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है वो ये है कि जो प्रॉप रूट होता है वो सपोर्ट के लिए होता है बनियन ट्री में। आपने देखा होगा किस तरीके से बनियन की पेड़ में जो लटकते रहते हैं, इस तरीके से वो किसके लिए होते हैं? सपोर्ट के लिए होते हैं। यानी बरगद के पेड़ में पाई जाती है प्रॉप रूट जो कि सपोर्ट के लिए होती है। ठीक है, ये आपको याद करना है ये एग्जाम्पल। इसके बाद देखिए क्या है कि अच्छा जो स्टिल्ड रूट है ये मेज और शुगर कैन में होता है। स्टिल्ड रूट किस में होता है? मेज एंड शुगर कैन में। ठीक है, तो स्टिल्ड रूट किस में पाया जाएगा? मेज एंड शुगर कैन में। ठीक है, ये याद करना है, स्टिल्ड रूट मेज एंड शुगर कैन। सपोर्टिंग रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम द लोअर नोड्स ऑफ स्टेम। ठीक है, तो ये आपने देखा होगा शुगर कैन में, गन्ने में और मक्के में, कि नीचे जो सपोर्ट के लिए फंक्शन के लिए रूट्स है कमिंग आउट हो जाती हैं बाहर की तरफ, लोअर नोड्स ऑफ द स्टेम। तो ये स्टिल्ड रूट होती हैं। स्टिल्ड रूट किस में होगी? मेज एंड शुगर केन में। और प्रॉप रूट किस में होगी? बनियन ट्री में। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण जो है वो पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो राइजोफोरा है, ठीक है, राइजोफोरा कहाँ पे? स्वैम्पी एरिया में डेवलप होता है। तो वहाँ क्या होता है? वहाँ ऑक्सीजन की जो कमी को पूरा करने के लिए, रिस्पायरेशन के लिए क्या होता है? वर्टिकली अपवार्ड, यानी कि ऊपर की ओर रूट कमिंग हो जाती हैं। ठीक है, तो जब ऊपर की ओर रूट डेवलप हो जाएंगी तो इसको क्या बोलेंगे? तो इस प्रकार की सच रूट, इस प्रकार की रूट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटोफोर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे इस प्रकार की रूट्स को? इस प्रकार के रूट्स क्या कहलाती हैं? न्यूमेटोफोर्स कहलाती हैं। ये राइजोफोरा में होती हैं, राइजोफोरा जो कि स्वैम्पी एरिया में डेवलप होता है। अच्छा, ये वर्टिकली अपवार्ड्स डेवलप होती हैं। अब है क्या ये किसके लिए? हेल्प टू गेट ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन। ये श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने में सहायक होती हैं। ठीक है, जो पौधे श्वसन करते हैं तो उनके लिए क्या होना चाहिए? स्वैम्पी एरिया में होते हैं, ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, तो इसलिए वर्टिकली अपवार्ड डेवलप होते हैं और अपनी ऑक्सीजन की जो रिस्पायरेशन के लिए ऑक्सीजन चाहिए वो ऑक्सीजन यहाँ से इनको मिलता है। तो ठीक है, न्यूमेटोफोर्स किस में होगी? राइजोफोरा में। ठीक है, स्टल्ट रूट किस में होगी? मेज में, शुगर केन में। प्रॉप रूट किस में होगी? बनियन ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अच्छा इसी में नेक्स्ट सेगमेंट है जो हमारा क्या है? मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यानी कि तने का रूपांतरण। अब देखिए जो तना, देखिए हम आपको बता देते हैं किसमें जो एग्जाम्पल हैं अब आपको याद करने हैं। अब आपको मैं बताता चलूँगा, आपको बहुत ही आराम से एग्जाम्पल याद हो जाएंगे धीरे धीरे। देखिए जो, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोटैटो है, ठीक है, जो आलू है वो आपका किसका एग्जाम्पल है? स्टेम का। और जो स्वीट पोटैटो है वो किसका है? आपका रूट का है। ये आपको याद करना है। देखिए देखिए आलू में यानी कि पोटैटो में, अदरक में, टर्मरिक, हल्दी में, जिमेकंद में और कॉलगेशिया जिसको अरबी बोलते हैं, तो ये जो भूमिगत तने हैं, ठीक है, ये भोजन के संचय के लिए रूपांतरित हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, कॉलोकेशिया। मॉडिफिकेशन स्टोरेज फॉर फूड। ठीक है, तो याद कर लेंगे इस चीज़ को। इसके बाद ट्रेंडल, ट्रेंडल बोलते हैं यानी कि जो ट्रेंडल होते हैं, प्रतान जिसको बोलते हैं, आपने देखा होगा खीरे में, ठीक है, कुकुम्बर में, खीरे में, पम्पकिन, लौकी में, तरबूज में और ग्रेपी वाइन्स यानी कि जो अंगूर की जो बेल होती है उसमें आपने देखा होगा कि जो टेंडल्स होते हैं, प्रतान होते हैं, वो पौधे इसके आरोह करने के लिए होते हैं, यानी कि ऊपर ये चढ़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ठीक है याद हो गया होगा। ठीक है, क्या कि ये जो है इस तरीके से, ये विच डेवलप फ्रॉम द एक्सिलरी वर्ड्स आर सिलेंड्रिकल होते हैं और स्पायरली होते हैं, स्पायरली कॉइल्ड होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, हेल्प प्लांट्स टू क्लाइंब। ठीक है, सच एज ए कोकम्बर, पम्पकिन और वाटरमेलन, ग्रेपी वाइन्स। ठीक है, क्लियर है। अब थॉर्न की बात करते हैं, तो थॉर्न क्या करेंगे? ये जो ब्राउजिंग एनिमल्स होते हैं यानी कि जो इसको प्लांट को जो एनिमल खा लेते हैं उनसे बचाने के लिए क्या होगा?
प्रोटेक्टिंग के लिए क्या होगा, थॉर्न्स होगा। थॉर्न किस में होगा, सेट्रस में, और बोगनविलिया में। थॉर्न किस में होगा, सेट्रस में आपका और बोगनविलिया में। ठीक है, तो आपको याद कर लेना होगा कि थॉर्न किस में हो जाएगा, सिट्रस में और बोगनविलिया में। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। स्टोरेज फूड में कौन कौन सा होगा, पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक और आपका जिमीकंद, कोलोकेसिया। फिर टेंडल किस में होगा, कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, एपिवाइंस। थॉर्न किस में हो जाएगा, सिट्रस में और बोगनविलिया में। बस आपको इस तरीके से याद कर लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका आता है वो फ्लैटेंड और फ्लैजी सिलेंडर, सिलेंड्रिकल। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए फ्लैटेंड मतलब क्या है, फ्लैटेंड का मतलब जो होता है ये चपटे प्रकार के हैं। ठीक है, चपटे तने होते हैं। आपने देखा होगा नागफनी में, जो कैक्टस में, ओपुंसिया में, आपने देखा होगा नागफनी में जो फ्लैटेंड स्टेम होता है, अच्छे से देखा होगा, ज़रूर देखा है। तो आप फ्लैटेंड में किसको याद कर लेंगे, ओपुंसिया में, कैक्टस में। फिर फ्लैसी सिलेंड्रिकल पूछा जाता है, एक आपको याद हो गया फ्लैटेंड, ओपुंसिया में या कैक्टस में, नागफनी में। तो दूसरा फ्लैसी सिलेंडर एग्जाम्पल यूफोरबिया ही लगाएंगे एग्जाम में। तो ये कन्फ्यूजन करने वाला है और पूछा जा सकता है, नीट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, याद करिएगा इसको। फ्लैटेंड में क्या हो जाएगा, ओपुंसिया। फ्लैसी सिलेंड्रिकल में क्या हो जाएगा, यूफोरबिया। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब हम देखिए आगे बढ़ते हैं। जो आपका एग्जाम्पल दिया गया है ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, तो ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के लिए आप एक पॉइंट याद रखिए। इसमें एग्जाम में पूछता है अगर आपसे कि व्हेन ओल्डर पार्ट्स डाई, ठीक है, और न्यू प्लांट आर फॉर्म, तो आप क्या लगाएंगे इसमें एग्जाम्पल, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। ये एक चीज़ याद कर लीजिए, क्या ओल्डर प्लांट डाई एंड न्यू पार्ट्स आर फॉर्म्ड, तो क्या हो जाएगा, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी। अच्छा, मिंट और जैस्मिन की बात करते हैं। मिंट एंड जैस्मिन इस सिलेंड्रिकल लेटरल ब्रांच एराइजेस फ्रॉम द बेस ऑफ द मेन एक्सिस एंड आफ्टर ग्रोविंग एयरली फॉर सम टाइम्स आर्क डाउनवर्ड्स टू टच द ग्राउंड। अच्छा, यानी कि पुदीने में और चमेली में जैसे ये पौधे हैं, तो इनके मुख्य अक्ष के आधार से, यानी कि जो मुख्य अक्ष होता है उसके आधार से एक पार्श्व शाखा निकलती है, और कुछ समय के बाद वो वृद्धि, कुछ समय के बाद तक वायवीय वृद्धि करने के बाद मुड़कर फिर जमीन को छूती है। ठीक है, यानी कि लेटरल ब्रांच से, लेटरल लेटरल आधार से कुछ पार्श्व शाखा निकलती हैं, फिर ऊपर की ओर ये जाएंगी, फिर क्या होगा, फिर ज़मीन को छू जाएंगी। तो ये आपको मिंट और जैस्मिन में लर्न करना है। फिर पिस्टिया और एकोर्निया में एग्जाम्पल के लिए क्या है, अगर आपसे कहता है पिस्टिया और एग्जाम्पल में, पिस्टिया और एकोर्निया में क्या है कि पिस्टिया और एकोर्निया की अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपसे पूछे कि इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट इंटरनोड है और ईच नोड बीरिंग ए रोसेट ऑफ लीव्स है इसमें, ठीक है, यानी इंटरनोड बहुत छोटा है और टफ्ट ऑफ रूट्स है, तो ये किस प्लांट में होगी, आपसे अगर पूछता है कि इंटरनोड बहुत ही शॉर्ट है, रोसेट लीव्स है, टफ्ट ऑफ रूट्स इज फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स पिस्टिया और आइकॉर्निया, यानी कि शॉर्ट इंटरनोड, रोसेट लीव्स किस में हो जाएंगे, ये जो एक्वेटिक प्लांट है पिस्टिया और आइकॉर्निया, आप निशान लगा देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जो बनाना है, पाइन एप्पल और क्राइसेंथिमम, लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल एंड अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम एंड ग्रो हॉरिजेंटली बीनिथ द सॉयल एंड देन कम आउट ऑब्लिकली अपवार्ड गिविंग राइज टू लीफी शूट। जो आपका बनाना है, पाइन एप्पल है, क्राइसेंथिमम है, इसमें क्या है, जो आपकी पार्श्वी शाखाएं हैं आधार से, भूमिगत तने से, भूमिगत तना जो होता है वहाँ से निकलेंगी और मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से, मिट्टी के नीचे क्षैतिज रूप से वृद्धि करती हैं और फिर क्या होता है उसके बाद बाहर निकलती हैं। ठीक है, और पत्तियाँ युक्त प्रोरो बनाती हैं, किस किस में, आपका बनाना में, पाइन एप्पल में और क्राइसेंथिमम में। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा।
फिर भी अगर आपको नहीं लर्न हो रहा है तो मैं आपके लिए ये ट्रिक का एक वीडियो बना दूंगा। लेकिन देखिए, पहले कोशिश ये किया करिए कि चीज़ों को आप समझ लें उनको अच्छे तरीके से, तो फिर आपको ट्रिक की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। तो हमने इस वीडियो लेक्चर में आपको कोशिश ये की है कि आपको ये सारे एग्जाम्पल हैं और जो जितने भी हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आप इस तरीके से आप इसको वीडियो को 2 बार देखिएगा, रिवाइज करिएगा। चलिए, अब आपको वीडियो अगर पसंद आया हो तो फ्रेंड लाइक कीजिएगा, जो हमने क्वेश्चन पूछे हैं उनका आप आंसर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, और साथ ही साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर देंगे, जिससे कि हमारे द्वारा जो वीडियो अपलोड किया जाए वो आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, हैव ए नाइस डे।